हेलो दोस्तों, मैं भास्कर और आज के वीडियो में बताने वाला हूँ किशन भाई के बारे में। और इधर देख पा रहे आलू, तो आज लगातार 3 घंटा बारिश हुआ है और आलू का खेत में जो है यार, मतलब कि पानी से भर गया। और इसका पहले भी हुआ था और अभी भी बारिश होते रहता है, तो आलू में पानी ज़्यादा होने से आलू ख़राब हो जाता है। तो चलो किस तरह से ख़राब हुआ है वो आप लोगों को बताऊँगा। और किशन भाई का तो बहुत ही नुकसान हुआ यार, ठीक है। और मेरा भी आलू है मतलब मेरा थोड़ा सा है, 1 बीघा आलू है, फिर भी यार हम लोग मर गया यार, बहुत दुख आ रहा। तो दोस्तों देख पा रहे आप लोग, ये आलू का खेत है और देखो कितने सारे आलू मतलब कि बाद हुआ है, मतलब ख़राब हो चुका है पानी के कारण से, ज़्यादा बारिश हो गया था ना इसीलिए। और इधर भी देखो, इधर भी पानी भर गया सारे आलू पे। ये बहुत बड़ा मतलब माट है ये, ठीक है। देखो यार क्या करें, ज़्यादा बारिश होने के कारण ऐसे हो गया। जो किशन हो तो इस बार मर जाएगा यार, जो भी है। बहुत कुछ गिर भी रखे आलू लगाता है इधर, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देख पा रहे, ये मेरा आलू का खेत है, तो ये भी पानी से डूब गया यार, जो भी है सबका डूब गया यार, बारिश ज़्यादा हो गया ना इसीलिए। तो और इधर देखो, आदमी में पूरा भरा हुआ, लेकिन वो पानी पास कर रहा है, जो भी है थोड़ा बहुत निकल रहा है तो आलू बच जाएगा और इसीलिए, ठीक है ना। तो दोस्तों अभी जो बारिश हुआ है और आलू का खेत डूबा है, तो मतलब कि 100% में 75% आलू तो ख़राब हो चुका है, ठीक है। और बाकी का मिल जाएगा जो भी है यार, मतलब कि इस बार किशन भाई को बहुत ही नुकसान हुआ है बारिश होने के कारण। और ठीक है, जो भी हो यार, आप लोग सपोर्ट करो थोड़ा बहुत, जो भी है लाइक टोक के सपोर्ट करो किशन भाई को। और चैनल पर नहीं है तो दोस्तों सब्सक्राइब करो और इस वीडियो को दोस्तों के पास शेयर करो, ठीक है। तो मिलते हैं, तब तक बाय।